गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बना रहे हैं होममेड लॉलीपॉप और कैंडी, आप कह सकते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 कप शुगर, थोड़ी सी टूथपिक स्टिक, ताकि हम लॉलीपॉप बनाएंगे तो हमें पकड़ने के लिए भी कुछ चाहिए, तो ये स्टिक यूज़ की है। और इसके साथ साथ हमने कुछ कलरफुल स्प्रिंकल्स लिए हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये स्टार शेप में है, ये लंबे वाले लिए हैं स्प्रिंकल्स, ये गोल वाले बॉल्स लिए हैं, ये हार्ट शेप, तो आपके पास शो भी अवेलेबल हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी 1 कप शुगर को मेल्ट करना है। ये स्प्रिंकल्स मैंने 1 टेबलस्पून करीब लिए हैं, वैसे तो बच ही जाएंगे मुझे लग रहा है, बट आप इस्तेमाल अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप और डाल सकते हैं। तो देखिए 1 कप शुगर को अब हम पहले मेल्ट करेंगे। इससे उनको इस कंसिस्टेंसी पे मेल्ट करना है कि जब मेल्ट होने के बाद इससे आप लॉलीपॉप बनाएंगे तो ये इमिडिएटली सेट हो जाएगा विदिन 2 to 3 मिनट्स में। तो समझ लीजिए आप 2 या 3 तार की चाशनी बनानी है। तो अब हम इसको मेल्ट करेंगे शुगर को। देखिए हमारा शुगर मेल्ट हो रहा है और कलर चेंज हो गया है, और इसमें आपको बस 2 to 3 टेबलस्पून पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी अभी नहीं हुई है लॉलीपॉप जैसी, 10 टू 15 मिनट में ही हो जाएगी। फ्लेम मैंने अभी लो रखा हुआ है। आप लॉलीपॉप बनाए कोई भी प्लेट ले लीजिएगा, उस पर अच्छे से ये फॉइल पेपर बिछा लीजिएगा बढ़िया तरीके से, ताकि हमारी लॉलीपॉप की क्या बनाएंगे किसी चीज़ में तो स्टिक हो जाएगा, तो फॉइल पेपर सबसे बेस्ट है। ये स्टिक नहीं होगा, इसी पर ही आराम से निकल जाएगा। और आप इस लॉलीपॉप के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप खट्टी मीठी लॉलीपॉप बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर, काला नमक और क्यूमिन जीरा पाउडर डाल के, तो भी इसको अभी 2-3 मिनट और करेंगे। अब इसको चेक कैसे करना है कि हमारी लॉलीपॉप के लिए शुगर सिरप परफेक्टली रेडी हो गई। तो शुगर सिरप को लेना है, इसमें डालना है। अगर ये इसमें अच्छे से फ्लोट होने लगे, जैसे कि देख रहे हैं कंसिस्टेंसी, अभी थोड़ा और कुक करना पड़ेगा। देख रहे हैं ये स्टिक हो रहा है, अभी इसकी लॉलीपॉप वाली कंसिस्टेंसी अभी इसकी नहीं बनी है, तो अभी हम इसको 4 से 5 मिनट और कुक करेंगे। और आप इसे थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद का, जैसे रेड हो गया, पिंक हो गया। अभी मैंने कुछ कलर ऐड नहीं किया है इसमें, ये ऐसे ही ब्राउन होने लगा है। में हमारा शुगर सिरप रेडी हो गया, और देखिए बहुत जल्दी जल भी जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसको क्या करना है, हल्का सा जरा सा कूल डाउन होने देते हैं, बस 5 से 10 मिनट, हल्का सा बस। अब हम इसको फॉइल पेपर में डालते हैं, जो भी शेप आपको चाहिए बिल्कुल ध्यान से पोर करिएगा। बस ऐसे छोटे छोटे आपको सर्कल्स बनाने हैं, क्योंकि गोल गोल लॉलीपॉप बनानी है हमें, तो इस तरीके से आप छोटे छोटे सर्कल्स बना लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने इस पे टूथपिक लगा लिए। अब इसमें हम कुछ स्प्रिंकल्स डाल रहे हैं अपनी चॉइस के, रख देते हैं। और इन लॉलीपॉप की शेप अगर आपको परफेक्ट करनी है तो ये कटर लीजिएगा, कुकी कटर, और जब ये हल्का सा गर्म हो, ज़्यादा ठंडा ना जाएगा गर्म, इस पर ऐसे ऊपर से प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, बाद में आप इसका साइड का एक्स्ट्रा पोर्शन तोड़ लीजिएगा। देखिए गाइस हमने बना लिया, फॉइल पेपर से निकाल लिया, हमारी लॉलीपॉप को ऐसी दिख रही है, देख रहे। आप भी बनाइएगा और बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक।